बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी आज। कोर कमेटी की बैठक के बाद चुनाव समिति की भी एक बैठक होगी। प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली जाएंगे कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जहां पर इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नाम फाइनल होंगे। किस सीट से किस प्रत्याशी को मैदान पर उतारना है, इस पर मंथन लगातार बीजेपी कर रही है। और दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक चल रही है। बैठक में एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद उन प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगेगी जिन्हें मैदान में उतारने की कवायद में बीजेपी इस समय जुटी हुई है। तो कोर कमेटी की बैठक के बाद चुनाव समिति की एक बैठक होगी और उसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर मंथन किया जाएगा। 14 फरवरी को उत्तराखंड में सभी सीटों पर चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अभी तक अपनी उम्मीदवारों की कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इन प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मोहर लगाएगी। इसके अलावा चुनाव समिति की एक बैठक होगी जिसमें फाइनल मोहर लगेगी और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। अजय पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरह से पार्लियामेंट की बैठक होगी, उसके बाद चुनाव समिति की बैठक होगी, उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी जल्दी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि वक्त भी ज्यादा बचा नहीं है, 14 फरवरी को चुनाव होना ही है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा तो उनके पास एक अच्छा खासा वक्त मिलेगा कि वो अपने क्षेत्र में जाकर अपने पक्ष में चुनाव प्रचार करें। और जो संभावित दावेदार हैं वो हालांकि अभी से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और उनको उम्मीद है कि पार्टी उनको टिकट देगी। जिस तरह से 5 साल के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं का और राज्य केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच पहुंचते रहे हैं, उसके बारे में बताते रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत करने की दिशा में वो लगातार कवायद करते रहे। ऐसे में तमाम ऐसे दावेदार हैं जिनको उम्मीद है कि इस बार पार्टी उनकी उम्मीदवारी को प्रमुखता देगी, उनको प्रमुखता देगी और इस बार उनको टिकट मिलना लगभग तय है। हालांकि पार्टी की ओर से जो तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों को लेकर के कि कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो जिताऊ साबित हो सकते हैं, जो लंबे समय से पार्टी के हित के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में वो कवायद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे में अब लगातार जो बैठकों का जो दौर है वो जारी है और चाहे दिल्ली से केंद्रीय नेता आ रहे हों, चाहे स्थानीय स्तर पर जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने अपने पक्ष में अपने अपने समर्थकों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उनको टिकट दिलाने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में आज जो एक बड़ी बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी और इसके साथ साथ चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक के बाद जो नाम फाइनल किए जाएंगे उन नामों को एक बंद लिफाफे में लेकर के प्रदेश और उसके बाद इन नामों का ऐलान भी किया जाएगा। दिल्ली से मेरे साथ मेरी सहयोगी ममता जुड़ रही हैं। ममता, पार्लियामेंट की बैठक लगातार चल रही है, इसके अलावा चुनाव समिति की भी बैठक होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितने भी उत्तराखंड में प्रत्याशी बीजेपी उतारने जा रही है उन पर फाइनल मोहर दिल्ली से लगेगी। ये कौन से प्रत्याशी होंगे? खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ के टिकट कट सकते हैं, ये कौन से नाम हो सकते हैं? आज एक बड़ी बैठक उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की हो रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आखिरकार किन किन लोगों को टिकट देना है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट उत्तराखंड को लेकर आई थी, जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उन लोगों ने एक सीट से तकरीबन 10 लोगों के नाम दिए हैं, यानी कि 10 लोगों का बायोडाटा एक सीट से आया है। इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड के 70 सीटों के लिए तकरीबन 800 लोगों के नाम आए हैं। आज की जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है उत्तराखंड में, उसमें से 10 में से 3 नाम फाइनल किए जाएंगे, 1, 2, 3। वो 3 नाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेजा जाएगा और मुमकिन है कि 18 से 19 तारीख को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। 3 नाम उत्तराखंड से आज जब फाइनल कर दिए जाएंगे तो उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें 70 लोगों के नामों पर मुहर लगने की उम्मीद है।
और केंद्रीय चुनाव समिति ही यह तय करता है कि आखिरकार टिकट किस उम्मीदवार को मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक जो तरीका है उस लिहाज से आज उत्तराखंड में तय हो जाएंगे 800 में से 3-3 एक सीट के लिए नाम सुझाए जाएंगे, एक लिस्ट एक पैनल तैयार किया जाएगा और वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेजा जाएगा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ये तय करेगी कि आखिरकार किस सीट से किसको टिकट दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, जिनके खिलाफ जनाधार ठीक नहीं है या फिर यूं कहें कि जिस मंत्री या फिर MLA विधायक के खिलाफ वहाँ के लोग हैं वो रिपोर्ट भी पर्यवेक्षकों ने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा है, प्रभारी को सौंप दिया है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि जिनके खिलाफ आक्रोश कम हो या फिर लोगों को मनाया जा सकता है उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और जिनके खिलाफ लोग होंगे उनका टिकट बीजेपी काटेगी, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश उत्तराखंड में कर रही है कि एक बार फिर से उसकी वापसी हो सके उत्तराखंड में और इसके लिए तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ, प्रधानमंत्री भी कई बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हो। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट जरूर हैं जो सिटिंग है उनका मुमकिन है कि टिकट काटा जा सकता है, हालांकि कल ही पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आया क्योंकि कहा जा रहा था कि मुमकिन है कि मुख्यमंत्री खटीमा जहां से वो विधायक है वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि कल CM ने खुद कहा कि वो खुद खटीमा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं या यदि पार्टी आला कमान उनको वहां से टिकट देती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं और ये सही भी है कि कुछ लोगों का ऐसे लोग हैं जहां पर उनके खिलाफ जो जनता है वो उनके लिए अगर उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया है, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया है तो नाराजगी है और जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके खिलाफ नाराजगी होना भी स्वाभाविक है। ऐसे में मुमकिन है कि कुछ ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके टिकट काटे जा सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बदले जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिग्गज नेता कहे जा सकते हैं उत्तराखंड में, हो सकता है कि अगर किसी सीट से उनकी नाराजगी है तो उनको पार्टी आलाकमान कोई दूसरी सीट दे दे और वहां से चुनाव लड़ाए, तो ये सारी समीकरण उत्तराखंड में है और आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में हो रही है और उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाएगी जो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने 18 से 19 तारीख को पेश किया जाएगा और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और जिसके बाद किस उम्मीदवार को कहां से उतारेगी भारतीय जनता पार्टी उसके नाम पर RSS जो संघ है वो एक सर्वे कराता है किसी भी चुनाव से पहले किसी बीजेपी के लिए किसी भी राज्य में जहां पर भी चुनाव होते हैं। उत्तराखंड के बारे में ये कहा जाता है कि जब संघ ने अपना चुनाव को लेकर सर्वे जो कराया था उसमें कई ऐसे प्रत्याशी थे जो मौजूदा स्थिति उनकी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, उनमें कई बड़े नाम थे और चूंकि उत्तर प्रदेश में इस समय भगदड़ सी मची हुई है तो क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी ऐसे वक्त में कि कोई बड़ा नाम जो कई और विधायकों को तोड़ सकता है ऐसे किसी विधायक का टिकट काटा जाए, ऐसे बड़े नाम का टिकट काटा जाए? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संतोष, देखिए संघ ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो भी सर्वे कराता है और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी अपना खुद का सर्वे कराते हैं और ये तीन सर्वे को देखने के बाद जांचने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि किस उम्मीदवार को कहाँ से टिकट देना है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो जो नाराजगी लगातार उनके खिलाफ देखने को मिली थी उसी के चलते उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वो जहां से डोईवाला से चुनाव लड़ते हैं वो चाहते हैं कि इस बार भी उनको वहां से टिकट मिले। अब सवाल यही है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या उनको उसी सीट से चुनाव लड़वाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री को लेकर भी ये कहा जा रहा है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कि खटीमा के लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं उनकी कार्यशैली से, तो क्या वहां से वो जीत पाएंगे ये बात भी कही जा रही है। अब देखना यही होगा, CM तो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वो खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो पहले से वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो इस बात की है कि क्या खटीमा की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी या भारतीय जनता पार्टी ने जो खुद का सर्वे कराया है उसमें क्या कुछ कहता है, तो ये तमाम चीजें तो हैं और इसी आधार पर संघ का सर्वे, पार्टी संगठन का सर्वे और इसके अलावा गृह मंत्री। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र TV ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।